हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सपोज़ करिए किसी पेशेंट को आप एले दे रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं और आपने इंजेक्शन दिया है और कुछ ही सेकंड्स में पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। जिस भी रीजन में आपने दिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पेशेंट को आ जाती है, तो उस समय क्या कंडीशन होगी आपकी। बिल्कुल, अगर आप इस कंडीशन से अवेयर नहीं हैं या फिर नए प्रैक्टिशनर हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है आपके साथ, तो थोड़ा सा हम घबरा जाएंगे। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। हिमेटोमा जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है, कई बार हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या हमें प्रिवेंशन लेनी है कि ये ना हो, किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और अगर इनकेस हो जाए तो उसे हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, इसी की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमेटोमा होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अगर किसी भी ब्लड वेसल को इंजरी हुई है, चाहे वो वेन हो या आर्टरी हो, अगर इंजरी हुई है तो उसमें ब्लड का इफ्यूज़न होता है, बहाव ब्लड का होता है, और जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है ब्लड, और एक हार्ट स्वेलिंग बनने लगती है, वहाँ पर स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हिमाटोमा। हिमाटोमा बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है जहाँ पर ब्लड वेसल्स की इंजरी हुई हो। जनरली एक्सीडेंट्स में आपने देखा होगा, एक्सीडेंट्स में हिमाटोमा देखने को मिलते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं ओरल हिमाटोमा की, जो इंजेक्शन हम देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया जो हम देते हैं, अगर उस समय हम किसी ब्लड वेसल को इंजर्ड कर देते हैं, उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है, जो हिमाटोमा बनता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने समझा कि हिमाटोमा क्या है। मान लीजिए अगर हम किसी पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हैं और हमने एस्पिरेट नहीं किया, वो किसी वेन में था या आर्टरी में था और हमने वहाँ पर डिपॉजिट कर दिया सॉल्यूशन को, लोकल एनेस्थेटिक को हमने डिपॉजिट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में हिमाटोमा बनने के चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन में हिमाटोमा होता है, जैसे ही हम सॉल्यूशन डिपॉजिट करते हैं, एक हार्ट स्वेलिंग पेशेंट के मुंह में आ जाती है। ये इंट्रा ओरल भी हो सकती है और एक्स्ट्रा ओरल भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ये किस में होता है। तो जो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक है, PSA जो हम देते हैं, सबसे ज़्यादा उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है। और जो साइज़ ऑफ हिमाटोमा है वो डिपेंड करता है टिश्यूज़ की डेंसिटी पर। जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं, जो भी वेसल्स है, ब्लड वेसल है, उसके जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि हिमाटोमा का साइज़ क्या होगा। अगर डेंसिटी कम है उस पर्टिकुलर रीजन की, तो हिमाटोमा बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी बनता है। तो जो हिमाटोमा का साइज़ है वो डिपेंड करता है टिश्यूज़ की डेंसिटी पर। और अगर किसी पेशेंट को हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं हिमाटोमास होने के। तो सबसे ज़्यादा ये होता है PSA, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक में। उसके बाद इन्फीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक में ये देखने को मिलता है, और उसके बाद मेंटल नर्व ब्लॉक में ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, क्या बातें हमें ध्यान रखनी है कि हम हिमाटोमा को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एनाटॉमी का पता होना चाहिए। जिस भी हम रीजन में कर रहे हैं, पर्टिकुलर रीजन की एनाटॉमी हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद जो भी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं इंजेक्शन देने के लिए, एले देने के लिए, उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि इसे कैसे देना है, कहाँ से देना है, सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है मिनिमम नंबर ऑफ पेनिट्रेशन, जितना कम प्रिक हो नीडल उतना अच्छा है। और आप अगर चाहते हैं तो स्मॉल नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नीडल का यूज़ ना करके स्मॉल नीडल का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको डर है कि हिमाटोमा होने के चांसेस हैं तो। इसके बाद बहुत अच्छे से आपको एक बात ध्यान रखनी है, एस्पिरेशन आपको हर ब्लॉक देते हुए करना है। जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, पहले आप डिपॉजिट करने से पहले, सॉल्यूशन को डिपॉजिट करने से पहले एस्पिरेट करिए। अगर पॉजिटिव एस्पिरेशन आता है, अगर ब्लड आता है सिरिंज में, तो उसको डिस्पोज कर दीजिए, फिर आप दूसरा इंजेक्शन लीजिए, दूसरा सिरिंज लीजिए, उसको यूज़ करिए। और जब तक नेगेटिव एस्पिरेशन नहीं आता, अगर नेगेटिव एस्पिरेशन आता है तो ही हमें डिपॉजिट करना है, पॉजिटिव एस्पिरेशन आता है तो बिल्कुल हम डिपॉजिट नहीं करेंगे। इससे भी हम हिमाटोमा को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हिमाटोमा अगर हो जाए तो उस समय आपको क्या करना है। तो अगर हिमाटोमा हो जाता है तो आपको वहाँ पर प्रेशर देना है, आइस पैक आपको वहाँ पर लगा के रखना है, आइस पैक वहाँ पर आप लगा के रखिए। इसके बाद जो भी डेंटल प्रोसीजर है उसको आप अवॉइड कर दीजिए, जब तक पेशेंट का पेन और जो सिम्टम्स है वो नहीं जाते, डेंटल प्रोसीजर्स को आप अवॉइड कर दीजिए। इसके बाद हम पेशेंट को आइस पैक लगाने के लिए बोलते हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए पेशेंट को आइस पैक आपको सजेस्ट करना है। प्रिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो पेशेंट को आपको एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करना है, और अगर हिमाटोमा ज़्यादा बड़ा है, चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, तो एंटीबायोटिक थेरेपी भी आपको साथ में देनी है। और पेशेंट को ये कभी मत बोलिए कि ये एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि
हेमाटोमा को ठीक होने में टाइम लगता है, 1 वीक से 4 वीक तक का टाइम पेशेंट को लग जाएगा ठीक होने में। धीरे धीरे करके हेमाटोमा डिसॉल्व होता है, जो ब्लड है वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व होता है। अगर आप पेशेंट को बोलते हैं कि 1-2 दिन में या 3 दिन में ठीक हो जाता है, तो पेशेंट भी कॉन्शियस होते हैं कि 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए ये क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो प्रॉपरली पेशेंट को बता दीजिए कि इसमें टाइम लगता है, 1 हफ्ते से 4 हफ्ते तक का टाइम इसमें लगेगा। सबसे पहले वो ब्लूइश होगा, उसके बाद ब्राउन येलो कलर का होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाता है, जो ब्लड वहाँ पे जमा हुआ है वो डिसॉल्व हो जाता है और ऐसा करके हेमाटोमा ठीक हो जाता है। तो ऐसे हम हेमाटोमा को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हेमाटोमा ज़्यादा बड़ा है और भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं और भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय आपको मेडिकल एडवाइस ज़रूर लेनी है। तो ये कॉम्प्लिकेशन था हेमाटोमा, ऐसे और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, सबसे हमें अवेयर रहना है। अगर हम इसके बारे में अवेयर रहेंगे, हमें पता होगा कि ये कैसे होता है, कैसे इसे मैनेज करना है, तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक पर और वीडियो आप देखना चाहते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।